हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। टुडेज अवर टॉपिक इज रोटेशनल मोशन, क्लास 11 फिजिक्स। रोटेशनल मोशन का हमारा आज फोर्थ नंबर का पार्ट है। रोटेशनल मोशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपने थ्री पार्ट देखा और थ्री पार्ट में आपने पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। आज जो हम क्लास लेंगे रोटेशनल मोशन पर, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के दो बॉडीज हैं, जो डिफाइन बॉडीज जिनका डिफाइन साइज एंड शेप है, उनके मोमेंट ऑफ इनर्सिया को हम कैलकुलेट करेंगे। वैसे तो ये बहुत से बॉडी हैं, नियर अबाउट 13-14 टाइप के फिक्स फिगर वाले बॉडीज होते हैं, लेकिन सबको हमको इस क्लास में मोमेंट ऑफ इनर्सिया कैलकुलेशन नहीं करना है। हाँ, उनका चार्ट आपको याद करना है, आप उनका चार्ट याद करना है। मेरे PDF में आपको उनका चार्ट का PDF मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आप देख लेंगे उसके चार्ट को। यहाँ पर हम डेरिवेशन करेंगे सिर्फ तीन टाइप के बॉडी को, क्लास 11 के स्टैंडर्ड के हिसाब से। सबसे पहले हम करेंगे सर्कुलर रिंग, क्लियर। कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ सर्कुलर रिंग, एंड सेकंड इज सर्कुलर डिस्क, एंड आफ्टर दैट यूनिफॉर्म रॉड आर बार, क्लियर। तो नाउ वी स्टार्ट फर्स्ट कैलकुलेशन, मोमेंट ऑफ इनर्सिया। एंड फर्स्ट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। यूनिफॉर्म मीन्स होमोजीनियस, पूरे रिंग का जो थिकनेस है, विड्थ है, वो यूनिफॉर्म हो, एक जैसा हो। ऐसा नहीं कि कहीं पर थिकनेस ज़्यादा हो, कहीं पर कम हो। यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग को हमको सबसे पहले हमको डिराइव करना है। देखिए, सपोज हमारे पास कोई रिंग है और हम उस रिंग के एक्सिस के, उस रिंग के सर्कल के सेंटर के पॉइंट से जाने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया हम चाहते हैं। एक फिगर बना ले पहले, और फिगर के हेल्प से आपको हम हेल्प एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से रिंग होगा। देखो, एग्जैक्ट सर्कुलर रिंग है हमारा, और ये इसका रोटेशनल एक्सिस है, ये रोटेशनल एक्सिस है, और यहाँ पर ये थ्री डायमेंशन फिगर है, ध्यान देना। एक्चुअल में इसका सेंटर है ये, और वह इस सेंटर से जो एक्सिस है वो बाहर आया हुआ है। बोर्ड में जैसा आप देख रहे हैं वैसा नहीं है, ठीक है। रिंग के सेंटर से जाने वाला जो सरफेस पर परपेंडिकुलर है, मतलब ये जो एक्सिस है वह वर्टिकल अपवर्ड है, बाहर साइड में है, इस तरह से। अब यहां पर हम इसका रेडियस सपोज कर लेते हैं। सपोज इसका रेडियस है r। अब हमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया कैलकुलेट करना है इस रिंग का। इसके लिए क्या करते हैं, देखो, इस पहले कैलकुलेशन से आप एक बात ध्यान में रखना, इसमें जो कैलकुलेशन के वर्किंग स्टेप्स हैं वो सब में एक जैसे होंगे। मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है, यूनिट लेंथ का आपको मास निकालना है, फिर पूरे लेंथ का मास निकालना है, फिर स्मॉल पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्सिया उसको इंटीग्रेशन करना है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन, सब फर्स्ट यूज मैं जो बता रहा हूँ कैलकुलेशन, उसका बहुत ध्यान से समझना। यदि एक समझ में आता है तो बाकी आपको बिल्कुल उसी आपको वर्किंग स्टेप पर वर्क करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट सपोज कर लेते हैं। सपोज हमने इसमें एक स्मॉल एलिमेंट, ये सपोज एक स्मॉल एलिमेंट है dx, ये सपोज कर लिया। सपोज dx इज स्मॉल एलिमेंट, और इसका जो टोटल मास है रिंग का वो सपोज कैपिटल M है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे मास ऑफ द यूनिट लेंथ ऑफ रिंग। नाउ कैलकुलेशन, मास ऑफ द यूनिट लेंथ ऑफ रिंग, मास ऑफ द यूनिट लेंथ ऑफ रिंग, हम इस रिंग के यूनिट लेंथ का मास फाइंड करते हैं। पूरे रिंग का मास कितना है, कैपिटल M, यूनिट लेंथ, तो इस रिंग का लेंथ कितना होगा,
लेंथ ऑफ द रिंग इज ऑलवेज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग। किसी सर्कल का जो लेंथ होता है वह उसके सर्कमफ्रेंस के इक्वल होता है, क्योंकि उसको हम कट करके वायर बना दें तो उसका लेंथ बन जाता है, सर्कल बना दें तो सर्कमफ्रेंस, और उसको हम स्ट्रेट लाइन बना दें तो लेंथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मास ऑफ द यूनिट लेंथ ऑफ रिंग इज इक्वल टू एम अपॉन लेंथ ऑफ द रिंग, कितना हो जाएगा 2πr, क्योंकि ये उसका सर्कमफ्रेंस है। क्लियर? तो ये स्टेप ध्यान रखना। सबसे पहले हम निकाला मास ऑफ द यूनिट लेंथ ऑफ द रिंग, सब में पहला काम यही करेंगे। देयरफॉर मास ऑफ एलिमेंट dx, ये हमने dx एलिमेंट लिया है, मतलब यहां पर ये एक छोटा सा एलिमेंट लिया है dx, ये इसका हम मास जानना चाहते हैं। तो जब यूनिट लेंथ का मास इतना है तो dx का मास कितना हो जाएगा, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया dm, तो dm इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ यूनिट लेंथ, मतलब m अपॉन 2πr इंटू dx, दिस इज द मास ऑफ एलिमेंट dx। अब हमने ये स्मॉल पार्ट का मास निकाल लिया तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया भी निकाल लेंगे। सपोज ये एक्स वाई इसका एक्सिस है, देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ एलिमेंट, अभी जो भी हो रहा है वो सब एलिमेंट के लिए हो रहा है, एलिमेंट डीएक्स अबाउट एक्स वाई एक्सिस, एक्स वाई एक्सिस के अबाउट हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकाल लें और उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं डी आई, जहां भी डी लग रहा है दैट मीन्स डी मीन्स डिफ्रेंशिएट पार्ट, डिफरेंशिएट पार्ट मीन्स फॉर स्मॉल पार्ट ऑफ द रिंग। मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट डी एक्स, डी आई इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्सिया इज एम आर स्क्वेयर, तो मास कितना उस एलिमेंट का, ये एम अपॉन 2πr डी एक्स मास हो गया इंटू डिस्टेंस, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है आर, तो हो जाएगा आर का स्क्वेयर। यहाँ सिंप्लीफाई कर दें तो एक आर इसके साथ में कैंसल आउट हो जाएगा, तो देयरफॉर ये हमको मिल जाएगा डी आई इक्वल एम अपॉन 2πr इंटू आर इंटू डी एक्स, एक आर इस आर के साथ में कैंसिल हो गया। ये हमने जो निकाल के रखा है ये स्मॉल एलिमेंट के है, लेकिन हमको चाहिए पूरे रिंग का, तो देयरफॉर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्सिया, देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ द होल रिंग, अब हम टोटल रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकालना चाहते हैं, दैट इज सपोज आई, तो आई इज द इंटीग्रेशन ऑफ डी आई। देखो यही इस मेथड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सबसे पहले हम छोटे पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकाल लेते हैं और उस छोटे पार्ट के मोमेंट ऑफ इनर्सिया को यदि हम इंटीग्रेट कर दें, कहाँ से, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, मतलब यहाँ से स्टार्ट करके पूरा सर्कल को कंप्लीट करके हम यहाँ आ जाएं, तो हमको क्या होगा, रिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, लोअर इनिशियल पॉइंट इज जीरो, एंड जब पूरे रिंग को हम कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ से कंप्लीट सर्कल कंप्लीट करके यहाँ पहुँचेंगे तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे 2πr, तो लिमिट इज जीरो टू 2πr एंड डी आई, ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ द होल रिंग। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डी आई के वैल्यू को पुट अप कर देंगे, दैट इक्वल, देखो बस दो लाइन का इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ एम अपॉन 2πr इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 टू 2πr, दैट इक्वल कांस्टेंट क्वांटिटी को बाहर कर दो, तो कांस्टेंट क्वांटिटी क्या है, एम इंटू आर अपॉन 2πr। अब यहाँ पर ओनली इंटीग्रेशन ऑफ dx बचेगा, और आपको ये फार्मूला हम कई बार बता चुके हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है x। देखो किसी भी स्टूडेंट को कैलकुलस में वेक्टर अलजेब्रा में कहीं भी प्रॉब्लम आता है तो प्लीज़ मेरा आपको सजेशन है कि आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए चैनल के, और बेसिक मैथमेटिकल टूल्स ज़रूर पढ़िए, क्योंकि यदि आप फिजिक्स अच्छा से पढ़ना चाहते हैं तो आपका मैथमेटिक्स टूल्स अच्छा होना चाहिए, इसलिए मैंने 5-6 पार्ट में अलग अलग मैथमेटिक्स का मैंने वीडियो प्रोवाइड कराया है आपको, तो वो वीक नहीं होना चाहिए। कभी भी आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पा रहा है, तुरंत आप उस वीडियो को रिवाइज़ करिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होगा, एक्स ये हो गया, और लिमिट हो जाएगा यहाँ पर 0 टू 2πr, दैट इक्वल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एम आर अपॉन 2πr, अपर लिमिट इज 2πr एंड लोअर लिमिट इज 0,
दैट इक्वल, अब ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्सिया है, अब इसको हम सॉल्व करें, अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2π के साथ कैंसिल आउट होएगा और क्या मिल जाएगा, एम आर स्क्वेयर, दिस इज द फाइनल इक्वेशन। ये है सर्कुलर रिंग के उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया जो इसके सेंटर से जाता है और सरफेस पर परपेंडिकुलर है। अब इसमें बहुत से कंडीशन है, उसको आप अपने से कर सकते हो, बुक से आप अपने पढ़ लेना, कि सपोज जो रोटेशनल एक्सिस है वो डिफरेंट टाइप में चेंज भी हो सकता है। देखो क्या क्या रोटेशनल एक्सिस हो सकता है, देखो रोटेशनल एक्सिस ये भी हो सकता है, मतलब टेंजेंशियल रोटेशनल एक्सिस, इसका डायमीटर भी हो सकता है। तो रोटेशनल एक्सिस जब चेंज होते जाएगा तो यहाँ पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के हम इसका डिफरेंट कंडीशन के लिए भी मोमेंट ऑफ इनर्सिया फाइंड कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने आपको जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ाया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ाया, वो आप उसको यूज़ करके निकाल सकते हैं। ओके, ये है इसका मेन फार्मूला, दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। ओके, देख लीजिए, नाउ नेक्स्ट कैलकुलेशन इज मोमेंट ऑफ इनर्सिया फॉर डिस्क सेकेंड। हेलो स्टूडेंट्स, अन अकेडमी लेके आए आपके लिए एक स्पेशल फीचर, आज के डाउट क्लास 6 से 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए। देखिए आप किसी भी समय कितने भी डाउट आप पूछ सकते हैं, लिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हैं हमारे इस फीचर पर, और आपके होमवर्क के लिए भी आपको असिस्टेंस मिलेगा इससे। देखिए मैं आपको बता दूँ कि इस ऐप को आप यूज़ कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको ऐप में जाना है और आस्क के डाउट क्लिक करना है। सेकंड स्टेप में आपने जो पिक्चर लिया हुआ है क्वेश्चन का, या फिर वहाँ पर गैलरी ले सकते हैं या पिक्चर ले सकते हैं, वो आपको लेना है। नेक्स्ट स्टेप, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने जो पिक्चर लिया है उसमें केवल उसी क्वेश्चन को क्रॉप करना है जो जिसका आपको आंसर चाहिए, स्पेसिफिक क्वेश्चन क्रॉप करना है दैट मीन्स, और आपको चूज किए हुए क्वेश्चन को डालना है, फिर आपको तुरंत उसका आंसर मिलेगा। देखिए इसमें जो आपको सावधानी रखनी है वो ये है कि आप एक टाइम में केवल एक ही डाउट पूछेंगे, एक से अधिक डाउट सेंड नहीं करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आप जो इसमें पिक्चर भेजेंगे क्वेश्चन का, वो क्लियर होना चाहिए, पिक्चर की क्लियरिटी अच्छी होनी चाहिए, हैंड रिटन नहीं होना चाहिए। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात है कि आप यदि MCQ क्वेश्चन के आंसर जानना चाहते हैं तो उसके सभी ऑप्शन आपके क्वेश्चन के नीचे में होने चाहिए। आइए अब आपको मैं बता दूं कि आप यदि अन अकेडमी में ये यूज़ करना चाहते हैं फ्री डाउट क्लियरेंस, तो आप मेरा कोड यूज़ करिए जितेंद्र सर लाइव। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप यदि अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 10% डिस्काउंट मिलेगा आपको मेरे इस कोड को यूज़ करने पर। जितेंद्र सर लाइव कोड आप यूज़ करिए और 10% का आप डिस्काउंट पाइए। ओके, थैंक यू। सेकेंड इज सर्कुलर डिस्क। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं सर्कुलर डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्सिया, मोमेंट ऑफ इनर्सिया फॉर सर्कुलर डिस्क। तो डिस्क कैसा होता होगा, डिस्क आप इमेजिन कर सकते हैं, डिस्क आपने सीडी देखा होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क। तो जो डिस्क होता है उसका थिकनेस नेग्लिजिबल होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, सर्कमफेरेंस होता है और सेंटर से लेकर उसका विड्थ भी होता है, टू डायमेंशन बॉडी है। तो सर्कुलर डिस्क, यहाँ पर मैं एक फिगर बना रहा हूँ और उसके हेल्प से आपको इमेजिन कराने का कोशिश करूँगा कि आप डिस्क को इमेजिन कर सको, समझ सको कि वो कैसा होता है। इस तरह से देखो डिस्क को हम थोड़ा सा साइड से ऐसा बनाएंगे, ये डिस्क सपोज कर लीजिए यह डिस्क है, और डिस्क के अंदर हम एक स्मॉल एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, उसको भी अपन कर ही लेते हैं अभी से। एक मिनट ना, उसको सेट कर रहा हूं मैं, आपको थिकनेस भी बता सकूं करके कोशिश कर रहा हूं।
एक सेकंड, चलिए ठीक है, अपने तरीके से मैं बता दूं इसको। डिस्क को आप साइड से देखेंगे तो थोड़ा सा वो दबा हुआ दिखेगा, है ना। डिस्क है, इसको एक्सिस बताना है करके हम इसको टू डायमेंशन में, थ्री डायमेंशन में बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं इसको। यहां पर हमने एक और रिंग लिया, इसमें क्या है अपने पास ऑप्शन नहीं है छोटे पार्ट को मिटाने का। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। अब ये इसका जो रोटेशनल एक्सिस है वो ये इसका रोटेशनल एक्सिस है, ये इसके सेंटर से होके जा रहा है। और ये जो डिस्क हमने कंसीडर किया है इसका सपोज हम थोड़ा थिकनेस शो कर दें इस तरह से, ये थोड़ा थिकनेस मैंने शो करने का कोशिश किया है, ये इसका ये थिकनेस है, ठीक है। जरूरी नहीं होता लेकिन मैं आपको थोड़ा दिखा दूँ, ये इसका थिकनेस है, उससे नहीं बना, ये इसका थिकनेस जो आप देख रहे हो डिस्क का थोड़ा थिकनेस है ना। अब इसका हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, इसका मास सपोज कैपिटल एम इसका मास है, कंप्लीट इसका रेडियस हमने कैपिटल आर लिया है। और यहाँ पर आप सेंटर में देखो हमने बनाया है एक स्मॉल थिकनेस का डी एक्स थिकनेस का एक रिंग बनाया है, ये सपोज इसका थिकनेस डी एक्स है और सेंटर से इसका डिस्टेंस सपोज एक्स है। यहाँ वर्किंग स्टेप क्या है, सबसे पहले हम इस डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, ठीक है। तो पहले तो वर्किंग स्टेप वही है जो अभी हमने फॉलो किया है, क्या कि ये जो एक्स वाई एक्सिस है उसके अबाउट हमको स्मॉल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप यूनिट एरिया, वहाँ पर हमने यूनिट लेंथ निकाला था क्योंकि वो क्या है वन डायमेंशन बॉडी है, ये टू डायमेंशन बॉडी है। तो सबसे पहले निकालेंगे हम मास ऑफ यूनिट एरिया ऑफ द डिस्क, डिस्क के यूनिट एरिया का हम मास निकालेंगे तो वो हो जाएगा दैट इक्वल एम अपॉन एरिया ऑफ द डिस्क। डिस्क का एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यहां पर आप आर कैपिटल लोगे क्योंकि डिस्क का रेडियस क्या है कैपिटल आर है। तो ये हो जाएगा मास ऑफ यूनिट एरिया ऑफ द डिस्क, देयरफॉर मास ऑफ एलिमेंट डीएक्स, जैसे वहां पर हमने एलिमेंट का मास निकाला वैसे यहां पर मास ऑफ द एलिमेंट डीएक्स इज सपोज डीएम, डीएम इक्वल टू हो जाएगा एम अपॉन पाई आर स्क्वायर इनटू एलिमेंट का थिकनेस कितना, अब इसका एरिया, इसके एरिया का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ध्यान रखना इस एलिमेंट का एरिया कितना हो जाएगा, एलिमेंट का थिकनेस डी एक्स है और इसका सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा टू पाई एक्स, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे टू पाई एक्स उसका लेंथ और डी एक्स थिकनेस, तो ये हो जाएगा उसका एरिया। इस तरह से जो स्मॉल एलिमेंट डी एक्स लिया है उसका मास ये होगा, ये ध्यान रखो, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना, इसका हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एरिया का, जैसे वहाँ पर हमने लेंथ का मल्टीप्लाई किया था दैट इक्वल। अब आगे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, क्या क्या हो जाएगा पाई पाई के साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा बस, तो ये टू को मैं सामने लिख लिया टू एम एक्स इंटू डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर, ये है इस स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी उसका मास ऑफ द
एलिमेंट dx। अब हम इस स्मॉल मास का क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकालेंगे। देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ एलिमेंट dx, इस dx एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्सिया दैट इज सपोज di एंड di इज mr स्क्वायर, m का वैल्यू है 2m x dx अपॉन r स्क्वायर, दिस इज मास एंड डिस्टेंस इज ये r स्क्वायर, क्लियर, क्योंकि यहां से इस x स्क्वायर होगा, क्योंकि एलिमेंट का डिस्टेंस यहां से क्या होगा x है, यहां पर x स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान रखना है यहां पर ना, क्योंकि जो एलिमेंट हमने लिया है उसका डिस्टेंस सेंटर से कितना है x है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ एलिमेंट dx। इसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ डिस्क, पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्सिया, तो वो हो जाएगा I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ di। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात लिमिट रखना, जैसे अभी हमने इसे पहले लिमिट रखा था 0 to 2πr, तो यहाँ पर लिमिट कितना होगा, देखो यहाँ पर लिमिट यहाँ से सेंटर से स्टार्ट करोगे यहाँ तक जाओगे तभी डिस्क कंप्लीट होगा, तो इनिशियल लिमिट हो जाएगा r और फाइनल 0 और फाइनल लिमिट r हो जाएगा। दैट इक्वल इसके वैल्यू पुट अप कर दो तो 0 टू r, ये इसका वैल्यू हमने यहाँ पर लिख के रखा x इंटू x, x क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं 2m x क्यूब dx अपॉन r स्क्वायर ये होगा। दैट इक्वल कांस्टेंट क्वांटिटी को बाहर कर देते हैं तो 2m अपॉन r स्क्वायर कांस्टेंट क्वांटिटी है, 2m अपॉन r स्क्वायर इंटीग्रेशन के अंदर हो जाएगा x क्यूब इंटू dx फ्रॉम 0 टू r, ओके। अब इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, इसको मैं मूव कर दूं यहीं पर ताकि आपको दिखता भी रहे, देयरफॉर I इक्वल 2m अपॉन r स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब इज x टू द पावर 4 अपॉन 4 फ्रॉम 0 टू r, x क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू द पावर 4 अपॉन 4। दैट इक्वल आगे इसको सिंप्लीफाई करें, इसको बाहर करें तो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/2m अपॉन r स्क्वायर ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट r टू द पावर 4 माइनस 0, दैट इक्वल ये हो जाएगा 1/2r स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, एक r स्क्वायर बचेगा तो 1/2mr स्क्वायर, ये हो जाएगा सर्कुलर डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्सिया। मोमेंट ऑफ इनर्सिया फॉर ए सर्कुलर डिस्क इफ द एक्सिस पासेस थ्रू सेंटर ऑफ द डिस्क एंड परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस, बाकी कंडीशंस आप निकाल सकते हो। तो ये इसका फाइनल इक्वेशन है, मैं इसको एक बार आपको कंबाइंड दिखा दूं, ये है सर्कुलर डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्जिया का कैलकुलेशन, ओके। देखिए फिर ये आपका कंप्लीट हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्जिया फॉर ए सर्कुलर डिस्क। इसी तरह से सभी बॉडी के कंप्लीट अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन 11th के क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से 3 बॉडी सफिशियंट है। वैसे तो बहुत से राइटर ने इसको डेरिवेशन दिया भी नहीं है, बहुत से स्कूल में टीचर्स पढ़ाते भी नहीं, लेकिन मैं नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको इसको बता रहा हूँ, लेकिन आपको कम से कम 12-13 टाइप के बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्सिया याद होना चाहिए यदि आपको नीट और IIT के लिए अपियर होना है, ठीक है। मैं आपको उसका कंटेंट्स प्रोवाइड कराऊंगा आपको यहाँ पर, और मेरा दूसरा चैनल पर जब मैं कंटिन्यूस वीडियो बनाऊंगा तो उसके पूरा लिस्ट मैं आपको दूंगा। मेरा जो कंपटीशन पाथ मेटर मेकर का जो एक और चैनल है इस पर अभी मैंने कम वीडियो डाले हैं, बस कुछ दिन बाद तेज़ी से डालने वाला हूँ, तो वहाँ पर जितना भी कंटेंट्स प्रोवाइड कराऊंगा वो प्रिंटेड मटेरियल आपको प्रोवाइड कराऊंगा जो पूरे फार्मूला का कलेक्शन होगा। वहाँ पर हमारा आपको गाइड करने का तरीका ही कम्प्लीटली कॉम्पिटिटिव बेस्ड होगा, ओके। नाउ नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म रॉड, थर्ड इज यूनिफॉर्म रॉड आर बार, रॉड आर बार मतलब एक ही है, यदि वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में हो तो रॉड बोल देते हैं, और वो यदि क्यूबिकल शेप में हो, रेक्टेंगुलर शेप में हो, तो उसको बार कहते हैं, ठीक है। तो इसका हमको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्सिया, देखिए पहले फिगर बना दें इसके लिए अपन,
ये एक बार है इस तरह से यूनिफॉर्म, और जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सी हमको फाइंड करना है। मिड पॉइंट हम ले जा रहे हैं, ये नियर अबाउट मिड पॉइंट है ना, कल मेजरमेंट तो नहीं कर रहा हूँ लेकिन ध्यान रखना वो मिड पॉइंट है उसका, ये इसका सेंटर है। सपोज टोटल रॉड का लेंथ ऑफ द टोटल रॉड इज एल, देन द लेंथ ऑफ दिस पार्ट इज एल बाई टू एंड दिस इज ऑल्सो एल बाई टू एंड दिस इज द रोटेशनल एक्सिस एक्स वाई। यहाँ पर आपको कैलकुलेशन का देखो स्टेप सेम होगा लेकिन थोड़ा सा चेंज, सब में थोड़ा थोड़ा चेंज है, कैलकुलेशन के स्टेप सेम है। लेट अस कंसीडर टोटल मास ऑफ द रॉड इज कैपिटल एम, नाउ वी कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट डी एक्स, दिस इज द स्मॉल एलिमेंट डी एक्स एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस एलिमेंट इज सपोज एक्स, देन फर्स्ट वी कैलकुलेट द यूनिट मास, द मास ऑफ द यूनिट लेंथ ऑफ द रॉड, जैसे हमने पहले किया वैसे यहाँ पर भी कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं कैलकुलेशन स्टार्ट करता हूँ, यहीं से कर देता हूँ मैं कैलकुलेशन, मास ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ रॉड इक्वल, तो कितना हो जाएगा उसका होल मास अपॉन लेंथ, तो एम अपॉन एल, ये तो बहुत आसान है, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, क्लियर, ये हो जाएगा। देयरफॉर मास ऑफ एलिमेंट डीएक्स, एलिमेंट डीएक्स इज सपोज डीएम, तो डीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा एम अपॉन एल इंटू उसका लेंथ डीएक्स हो जाएगा, एम अपॉन एल इंटू डीएक्स, ओके। देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ एलिमेंट डीएक्स, मोमेंट ऑफ इनर्सिया इज एलिमेंट इज डीआई इक्वल टू मास एम अपॉन एल डीएक्स इंटू स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहां से हमने इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या लिया है एक्स लिया है, तो ये हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो गया। देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ रॉड, पूरे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्सिया वो हो जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जी आई, देखो वर्किंग सब सेम टू सेम वैसे ही चल रहा है। अब लिमिट कैसे पुट करना है, देखो लिमिट यहाँ पुट करना है कि यहाँ से इधर और यहाँ से इधर, तो लेफ्ट साइड में जाएंगे तो एल बाई टू, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस एल बाई टू क्योंकि वो ओरिजिन के अपोजिट डायरेक्शन है, तो लोअर लिमिट हो जाएगा माइनस एल बाई टू एंड अपर लिमिट इज एल बाई टू, तो माइनस एल बाई टू, एल बाई टू अपन इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ पर इसका वैल्यू पुट अप कर दें अपन, देयरफॉर आई इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एल बाई टू टू एल बाई टू एंड द वैल्यू ऑफ डी आई इज एम अपॉन एल एक्स स्क्वायर डी एक्स, एम अपॉन एल एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, दैट इक्वल नाउ इंटीग्रेट एम अपॉन एल इज कॉन्स्टेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब अपॉन थ्री माइनस एल बाई टू टू एल बाई टू, थ्री को बाहर कर दो एम अपॉन थ्री एल, नाउ पुट लिमिट, तो अपर लिमिट इज एल बाई टू होल स्क्वायर माइनस होल क्यूब एल बाई टू एल क्यूब, दैट इक्वल एम अपॉन थ्री एल, ये कितना हो जाएगा एल क्यूब अपॉन एट, ये माइनस का पावर थ्री माइनस होगा माइनस माइनस प्लस, दिस इज आल्सो एल क्यूब अपॉन एट, ये हो जाएगा दैट इक्वल, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो टू एल क्यूब अपॉन एट आएगा, टू कैंसिल आउट हो जाएगा तो फोर हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर एक एल इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा वन अपॉन ट्वेल्व, फोर थ्री जा ट्वेल्व एम, और एक एल कैंसिल होगा एम एल स्क्वायर, इतना डायरेक्ट आप कर सकते हो, दिस इज फाइनल इक्वेशन। ये डायरेक्ट कैसे लिखा समझ में आया ना, टू एल क्यूब अपॉन एट तो हो गया एल क्यूब अपॉन फोर, फोर का थ्री के साथ मल्टीप्लाई होकर हो गया ट्वेल्व, और एक एल एल क्यूब के साथ में एक एल से कैंसिल आउट होगा तो इतना हो जाएगा, ये फाइनल इक्वेशन है वन अपॉन ट्वेल्व एम एल स्क्वायर,
दिस इज द यूनिफॉर्म राड कैलकुलेशन फॉर यूनिफॉर्म राड। एक साथ मैं इसको आपको दिखा दूं पूरा कैलकुलेशन को। यही दिस बोर्ड में अच्छी फैसिलिटी है ना, देखो वो सब यूज़ करना चाहिए। अब सब पूरा कंटेंट्स एक साथ आ गया, आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने क्या क्या किया। ओके, ये है यूनिफॉर्म राड के लिए। तो ये हमारा, अब देखो इसमें यूनिफॉर्म राड में कभी कभी कंडीशन ऐसा होता है कि हम उसको इस कॉर्नर के लिए भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसी में हम करेक्शन कर सकते हैं उसके लिए। सपोज हमको इस एंड में के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, बस ये लिमिट को चेंज कर देना है। इसी में मैं करेक्शन करके आपको सिखा देता हूँ उसको, ठीक है। इसी में करेक्ट मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ उसको और यहीं पर पूरा बता देता हूँ कि कैसे कैसे हो जाता है वो। चलिए ये तो आपको तैयार हो गया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा भी है इसको प्रिपेयर कर लीजिए। और मैं अब एक्सिस को इसी में बदल रहा हूँ, एक नया चीज़ सिखा रहा हूँ आपको। देखो सपोज हमारा एक्सिस, अब हमारा एक्सिस ये है, हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने बोला है, और सपोज एक्सिस ये है, तो इसके अबाउट यदि हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो कैसे हमारा कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा, ध्यान देना। ये पूरा वही रहेगा, अब मैं यहाँ पर इसको येलो कलर से चेंज करके आपको बता रहा हूँ कहाँ कहाँ पर चेंज होगा। तो सबसे पहले हमारा लिमिट चेंज होगा, ये लिमिट चेंज होगा। कैसे लिमिट चेंज होगा, अब हम इस एंड से इस एंड तक जाएंगे तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट जीरो हो जाएगा और अपर लिमिट एल हो जाएगा। देखो कई बार इसमें स्टूडेंट्स पैरालेसिस थ्योरम लगाते हैं और उसको लेंदी करते हैं, मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। सपोज आपके एग्जाम में पूछा कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म राड अबाउट एक्सिस विच इज एनी वन एंड ऑफ द राड, तो फिर ऐसा बनेगा। तो अब जीरो टू एल इसका लिमिट कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर क्या क्या चेंजेस आएगा, देखो ये लिमिट चेंज होगा, मैं सब लिमिट को चेंज कर दे रहा हूँ बस यहाँ से और कुछ नहीं। ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, लिमिट आपने पुट किया है, अब ये वाला पोर्शन पूरा इसको मैं चेंज कर दूंगा यहाँ से, ये वो चेंज होगा तो ये वाला पोर्शन भी चेंज हो जाएगा और हमारा फार्मूला क्या आ जाएगा, देखो इसी में सुधार दिया, अब सुधार रहा हूँ इसी में देखो। तो पूरा 80% 90% पोर्शन तो सेम टू सेम है, क्या किया लिमिट 0 टू L, 0 टू L ये हो गया 0 टू L, यहाँ आप लिख लोगे 0 टू L, इसका इंटीग्रेशन तो वही। अब अच्छा यहाँ पर मैं लिमिट को रख ही दूँ ना सीधा, अब इसको लिखने जरूरत नहीं है। अपर लिमिट मैं 3 को बाहर कर चुके हैं, अपर लिमिट तो इसका L क्यूब माइनस 0, क्लियर। तो एल क्यूब माइनस जीरो क्या हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा। इस कंडीशन में आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, ये तो वही रहेगा, एल कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/3 एम एल स्क्वायर ये आ जाएगा। देखो तो ये आप इस एक्सिस के अबाउट निकाल लिए, तो नॉमिनल चेंज हुआ, जितना मैंने येलो कलर से लिखा है वही बस चेंज हुआ, बाकी एज इट इज़। तो ऐसा आप निकाल सकते हैं दो एक्सिस के लिए, एक पहला जो मैंने बताया कि एक्सिस विच इज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द राड, एंड सेकंड इज एक्सिस विच इज पासेस थ्रू द एनी वन एंड ऑफ द राड। ओके, तो ये मैंने आपको थ्री मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए आज सिखाया, ये मैंने आपको डेरिवेशन कराया, और बाकी के भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी तरह से ही कैलकुलेट होते हैं, लेकिन अभी 11th क्लास में आप इतने डिराइव करिए, बाकी फार्मूले आपको याद करने हैं क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसमें से क्वेश्चन आता है, वो अपने कॉम्पिटिटिव के कलेक्शन में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, थैंक यू।